अगर आपके कॉन्टैक्ट नंबर में कहीं 444 या फिर 444 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं तो उसको भी बताने का तरीका है। जैसे कि अगर 44 है तो जनरली हम डबल बोलते हैं, और 3 बार 4 है तो हम कहते हैं 444। बट इंग्लिश में जब आप किसी को वर्बली बता रहे हैं तो आप डबल और ट्रिपल वाले वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, आप कहते हैं 2 times 4 या 3 times 4। और वहीं अगर 4 बार है कोई नंबर, तो मान लीजिए जैसे 1111, तो आप कहेंगे 4 times 1। ये है प्रोफेशनल तरीका। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हिनखोज। आई एम इशिता एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी आप अपने कॉन्टैक्ट के डिटेल्स कैसे शेयर करेंगे। आइए देखते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो हमें शेयर करना आता ही है मैम, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम सीखने वाले हैं एक प्रोफेशनल तरीके से हम किसी को कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे शेयर करते हैं। और यहाँ मेरा ज़्यादा एम्फेसिस है कि जब आप वर्बली किसी को बता रहे हों तब आप कैसे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करते हैं। नाउ मैंने बोला था ना, इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरह की इंग्लिश होती हैं। तो जनरली हमें जब पूछा जाए कि आप बताइए आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर क्या है, यही दो मेन कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो हम शेयर करते हैं, तो यहाँ आपको प्रोफेशनली जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए अगर कॉल आता है तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपका एड्रेस बताइए तो आप कैसे बताएंगे। या फिर कोई प्रोफेशनल कॉल आता है और वो आपसे आपका पर्सनल नंबर मांग रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशनल नंबर मांग रहे हैं, तो आप वहाँ कैसे अपना नंबर बताएंगे, वो ही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो इंग्लिश में प्रोफेशनली कैसे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करें, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर फोन नंबर। तो फोन नंबर आजकल मोबाइल नंबर ही होता है, अगर कोई फोन नंबर मांगता है दैट मींस दे वांट योर मोबाइल नंबर, तो मैं मोबाइल नंबर पे ही फोकस करूंगी यहाँ पे। नाउ व्हाट इज योर मोबाइल नंबर और व्हाट इज योर फोन नंबर, यानी आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये भी पूछते हैं लोग। यहाँ पे आप आंसर करते हैं जनरली 9818234567। आपने लगातार बोला नंबर्स को, या एक एक करके भी बोलते हैं 9818234567। बट यहाँ प्रोफेशनली इंग्लिश में इसका एक तरीका बताया गया है। कैसे? तो सबसे पहले आप शुरुआती के 4 digits को अलग रखिए, और फिर 3 अलग रखिए और 3 बाकी अलग रखिए। मोबाइल नंबर 10 digits का होता है, तो आपको इसे ऐसे ही डिवाइड करके बताना है। दिस इज द प्रोफेशनल वे। तो इंग्लिश में इसे ऐसे बताएंगे, सो प्लीज नोट डाउन माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कृपया मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख लीजिए, या कृपया मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिए। तो पहले आप 4 digits बताने वाले हैं 9818, फिर आप बोलेंगे 234, और फिर आप बोलेंगे 567। सो दोनों के बीच में पॉज आएगा, 9818 आप पहले बताएंगे, फिर आप पॉज लेंगे, फिर आप आगे के 3 numbers और पॉज लेके आखिरी के 3 numbers बताएंगे। ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है, और 1 time में ही नंबर आपका नोट हो जाएगा। अगर आप एक बारी में लगातार बताते हैं तो कई बार गलत नंबर हो जाता है, या फिर लोग मिस्टेकनली छोड़ देते हैं आपका नंबर। तो ध्यान रखिएगा आगे से 433 ऐसे डिवाइड करने हैं आपको मोबाइल नंबर को। नेक्स्ट है गाइज कॉन्टैक्ट डिटेल्स का मेन पार्ट, जो कि आपका एड्रेस है। आपका एड्रेस जहां आप रहते हैं वो कैसे शेयर करेंगे। लोग पूछते हैं कैन यू प्लीज शेयर योर एड्रेस विद मी, तो आप बोलेंगे यस प्लीज नोट इट डाउन। और कैसे नोट करवाएंगे, जनरली हम कहते हैं ए ब्लॉक हाउस नंबर 520 गली नंबर 10 या स्ट्रीट नंबर 10 सोहना रोड गुरुग्राम हरियाणा 02। तो जनरली हम एड्रेस ऐसे ही शेयर करते हैं, पहले अपना ब्लॉक बताया, फिर अपना हाउस नंबर बताया, और पूरा पूरा नोट करके भी दिखा। और अगर किसी को आपको लिख के देना हो तो भी आप ऐसे ही लिखते हैं, पूरा हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, फिर उसके बाद गली नंबर। तो इंग्लिश में इसका एक तरीका है। अब पैटर्न समझिएगा, सबसे पहले ब्लॉक था हमारा, तो ब्लॉक ए है, आप एज इट इज ए लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे और अपना हाउस नंबर सिर्फ लिखेंगे। पूरा हाउस और नंबर नहीं लिखना है, आप सिर्फ 520 मेंशन करेंगे, और उसके आगे आप एक स्लैश लगाकर 10 लिख देंगे। अब इंग्लिश के पैटर्न में अगर कोई भी ये एड्रेस देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ब्लॉक ए हाउस नंबर 520 और स्लैश के बाद जो 10 है वो स्ट्रीट नंबर ही है। अब आगे फर्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस तो ये हुआ, पहले आप ये बताएंगे ए 520
/10, फिर आप बताएंगे जगह का नाम, तो आप सोहना रोड, गुरुग्राम और लास्ट में आएगा हरियाणा। अब हरियाणा के बाद मैंने पहले एड्रेस में बोला था 02। नाउ 02 इज नॉट अ प्रोफेशनल वे टू शेयर योर जिप कोड। यहाँ जिप कोड या पिन कोड जो भी आप यूज करते हैं पूरी बतानी है आपको। तो आप कहेंगे हरियाणा के बाद 122102, याद रखिएगा आप इसे। तो ये है प्रॉपर तरीका अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करने का। ये यूज होगा आपको जब आप HR से अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करते हैं या फिर आप कहीं रिज्यूमे में लिख रहे हो तो इसी फॉर्म में लिखिएगा। पूरा एड्रेस लिखना ज़रूरी नहीं है, और मैंने पहले भी बताया था कि रिज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं मेंशन करते हैं, तो वहाँ भी आपको रिटन इंग्लिश में भी मदद करेगा ये। और अब आप वर्बल किसी को बताएंगे एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो ऐसे ही बताइएगा। Thank you so much for watching the video. I hope you liked it. Do like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Till then, take care and happy learning.